हेलो गाइस, सबको हैप्पी नवरात्रि। आज हम लोग ग्रीडी का टॉप 10 दुर्गा प्रतिमा का दर्शन आप लोग को करवाएंगे, तो हमारे ब्लॉग्स पे बने रहिएगा। कोशिश करेंगे जितना भी ग्रीडी में जितना भी प्रतिमा है दुर्गा जी का और जितना भी सुंदर सुंदर पंडाल बना हुआ है सबका आप लोग को दिखाने का प्रयास करेंगे। आप लोग वीडियो पर बने रहिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये भव पंडाल जो देख रहे हैं ये पपरवाटार का है, बहुत ही खूबसूरत। ये जो भव्य पंडाल और मां का प्रतिमा आप देख रहे हैं ये हमारे पंचायत मूतलेदा का है। यहाँ विजयदशमी के बाद एक भव्य मेला का आयोजन किया जाता है जो छाता मेला के नाम से प्रसिद्ध है। अब अपने पंचायत में मां का दर्शन करने के पश्चात हम लोग पहुंच चुके हैं सार्वजनिक मां दुर्गा शक्ति मंदिर सिरसिया, जो कि पुराना पुल के निकट है। यहां भी हर साल भव्य पंडाल और बहुत ही आकर्षक मां का प्रतिमा बनाया जाता है जो आप लोग देख सकते हैं। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं ये श्री विश्वनाथ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ बहुत ही ज्यादा संख्या में श्रद्धालु माँ का पूजन और दर्शन करने आते हैं। मंदिर की तरह अर्घा घाट सार्वजनिक दुर्गा मंडा भी बहुत ही सुंदर और आकर्षक है। यहाँ पर कलश स्थापन से लेकर विजयदशमी तक भव्य लाइटिंग और सजावट देखने को आपको मिलेगा। जरूर आएं और माँ का दर्शन करके ही जाएं। हर साल की भांति इस साल भी नवयुवक संघ बरमसिया के द्वारा मां की प्रतिमा बनवाई गई है जो कि बहुत ही खूबसूरत है और यहां का पंडाल भी बहुत ही बेहतरीन है। हम लोगों ने जितने भी प्रतिमाएं और पंडाल अभी तक देखे यहां का प्रतिमा और पंडाल सबसे ज़्यादा सुंदर लगा। वार्ड नंबर 15 बरमसिया स्थित विजय इंस्टीट्यूट में भी हर साल मां की बहुत ही सुंदर प्रतिमा देखने को मिलती है। ये गिरिडीह के सवेरा हॉल के जस्ट सामने है। कभी आएँ तो मां का दर्शन जरूर करके जाएँ।
ये जो पंडाल आप देख रहे हैं, ये सुरसुंदरी इंस्टीट्यूट, जिसका प्रसिद्ध नाम एकेडमी है, के द्वारा बनाया गया है। यहाँ कई सालों से ऐसे ही भव्य पंडाल बनवाया जाता है। यहाँ के मेले में भी बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है। श्री श्री आदि दुर्गा मंडप, जो कि आदि शक्ति मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, यहाँ श्रद्धालुओं की काफ़ी संख्या में भीड़ हमेशा मौजूद होती है, क्योंकि यहाँ का मान्यता है कि माँ से जो भी वर मांगो वो पूर्ण होती है, और यही कारण है कि लोग यहाँ पे ज़्यादा संख्या में आते हैं और माँ का पूजन और दर्शन करते हैं। ग्रीडी का मेला देखने के बाद ग्रीडी में ही स्थित है पपरवा टाण के नाम से फेमस पपरवा टाण का मेला। अगर आप ग्रीडी का सारा मेला देख लिए और पपरवा टाण का मेला नहीं देखे, तो बाद में जब आपको कोई फ़ोटो दिखाएगा आपको पछताना पड़ेगा। इसीलिए एक बार पपरवा टाण का मेला ज़रूर देखने आए, क्योंकि यहाँ इतना ही खूबसूरत पंडाल बनता है और माँ की इतनी ही सुंदर प्रतिमा रहती है कि भक्तजन कोई रोक नहीं पाता, दौड़े दौड़े माँ के द्वार चले जाते हैं, और आने के बाद जो खुशी मिलता है वो भक्तजन ही समझ सकते हैं। तो जब भी दुर्गा पूजा का त्यौहार चले और अगर आप गिरिडीह में हैं, तो एक बार पपरवा टाण का मेला देखने ज़रूर आएँ। ख़त्म। वीडियो अगर पूरा देख लिए हैं तो हमको ज़रूर कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ गया है तो वही वाला काम करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब वाला। नए हैं तो प्लीज़ कीजिए और हमको सपोर्ट कीजिए आगे बढ़ने के लिए। धन्यवाद।